श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है। मित्रों, नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो आज यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिनके नाम का प्रथम अक्षर एच लेटर से शुरू होता है तो वो किस तरह के लोग होते हैं, उनका स्वभाव, गुण, अवगुण, प्रेम संबंध किस तरह के लोग होते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि एच नाम वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एच नाम वाले लोग बहुत ही भावुक होते हैं और भावनाओं में फंस कर अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाते। आत्मविश्वासी और न्यायप्रिय होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और इनके मित्र भी बहुत होते हैं। इनका अपने परिवार के प्रति बहुत लगाव होता है। अपने परिवार को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं और परिवार के साथ इनको समय बिताना अच्छा लगता है और अपनी माँ की बहुत देखभाल करने वाले होते हैं। दोस्त बहुत जल्दी बनाने वाले होते हैं। ये मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। यात्रा बहुत करते हैं, अपने जीवन काल में यात्राएं ज़्यादा करते हैं और अपनी मातृभूमि से दूर जा सकते हैं। इनको विदेश यात्राएं करने का भी मौका मिल सकता है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सामाजिक कार्यों में धन खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एच नाम वाले लोगों को समाज के साथ एक लगाव रहता है और आसानी से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। भौतिक सुखों को पसंद करने वाले होते हैं। प्रेम में पड़ सकते हैं, पर प्रेम विवाह में बदलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल से होता है एच नाम वाले लोगों के जीवन में। इनकी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इनको सफलता थोड़ा देर से मिलती है और जीवन में कठिनाइयों का यानी संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके कार्यों और विचारों में काफ़ी चंचलता पाई जाती है। इनकी खासियत ऐसी होती है कि अपने आसपास हमेशा परिवार जैसा माहौल बना लेते हैं। इनका स्वभाव बहुत मिलनसार होता है और एच नाम वाले लोगों को नए लोगों से मिलने में समस्याएँ नहीं होती हैं। ये जल्दी ही नए लोगों के साथ भी मित्रता बना लेते हैं, घुल मिल जाते हैं। तम महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, लेकिन तरक्की पसंद जरूर करते हैं और शांत और पारिवारिक जीवन काफ़ी पसंद आता है। स्वतंत्रता इनको काफ़ी पसंद होती है, इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको कई बार मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। कलात्मक और रचनात्मक होते हैं, अपनी परंपराओं से बहुत लगाव रखते हैं और भावुक होने के साथ साथ कभी कभी ये काफ़ी मूडी भी होते हैं। इनका मन बाहर कहीं घूमने जाने का है तो ये किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित करके उनको अपने साथ बाहर लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर जाने का मन नहीं है तो कोई कितना भी कहता रहे ये नहीं जाएंगे। नाम वाले लोगों में बहुत ही मासूमियत होती है। सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा होता है। लोगों को मित्र बनाने की खूबी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। एच नाम वाले कई बार बहुत ही दृढ़ होते हैं और कई बार बहुत दुर्बल भी दिखाई देते हैं। साथ ही अपनी शर्तों पर ही सज्जनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं और ये अपने आसपास की परिस्थितियों को ठीक रखें तो काफ़ी उदार स्वभाव के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपनी ही मुसीबतों में फंस जाते हैं। इनके अंदर सूझबूझ की कमी नहीं रहती है, लेकिन असुरक्षा की भावना काफ़ी मिलती है। अपनी इसी भावना के कारण कभी कभी काफ़ी कठोर व्यवहार करने लगते हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध करते हैं। व्यर्थ की बातें हों या काम की बातें, दोनों में काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद आता है, लेकिन सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उनको पूरा करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने पार्टनर को भी स्वतंत्रता देते हैं और उनके प्रति काफ़ी समर्पित होते हैं। इनके लिए बच्चे और परिवार का विशेष महत्व होता है। ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन जब करने पर आते हैं तो उसके बारे में पूरा पाठ लिख देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। अच्छे माता पिता साबित होते हैं एच नाम वाले और अपने लोगों के लिए घर की सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात को आसानी से साझा कर लेता है। साथ ही आपकी समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं।
प्रेम के मामले में जिसको भी प्रेम करते हैं दिल से प्रेम करते हैं, पर ये प्यार का इजहार नहीं कर पाते। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, फिर भी ये अपनी पत्नी तथा बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में ये काफ़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं और अपने हर कर्तव्य को पूरा करते हैं, और इनके बॉस इनको काम देकर अच्छे से बेफिक्र हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत आलसी भी हो सकते हैं, इस चक्कर में कभी कभी आलस से इनको निकालना पड़ता है। पैसा कमाना आसानी से सीख लेते हैं और खर्च भी आसानी से कर देते हैं। इनकी ज़िंदगी में परिवार और दोस्तों की अहमियत पैसों से ज़्यादा होती है। कभी कभी ये दिशाहीन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी के हर पड़ाव में अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। प्रेम के मामले में काफ़ी परवाह करने वाले होते हैं और जितना प्रेम अपने साथी से करते हैं बदले में उतना ही प्रेम चाहते हैं, लेकिन इनके जो प्रेम संबंध हैं इनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं और पल भर में ही पूरी ज़िंदगी उनके साथ काटने के बारे में सोच लेते हैं। और कई बार प्रेम संबंधों में कभी कभी ये कठोर कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन अंदर से ये काफ़ी सौम्य होते हैं और दयालु भी होते हैं, कल्पनाशील तो होते ही होते हैं। और ये जिससे भी प्रेम करते हैं दिल से प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम में इजहार नहीं कर पाते। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, फिर भी अपने जीवन साथी को और अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एच नाम वाले लोग। मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के बारे में कुछ चर्चा की। ये एच नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, कुछ इस तरह के हो सकते हैं एच नाम वाले। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।